राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसको लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस MLC अमेठी से हैं दीपक। दीपक जी, आप जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप क्या नौबत आन पड़ी कि अब आप लोगों की शर्तों को करना पड़ा, और ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी के पूछताछ के कारण आप लोग सड़कों को उतरे लेकिन जनता की आवाज़ के कारण पहले कभी आप उतरे नहीं? जनता की आवाज़ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सड़क उतरी है। जनता के जो मुद्दे हैं स्वयं राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। बहुत सारे दल ऐसे थे जिन्हें जरूरत थी तब नहीं उतरे थे। आज कांग्रेस पार्टी इसलिए सड़क पर है, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर के लोगों को जेल डालने का काम किया था, मुकदमे करने का काम किया था, ये अंग्रेज परस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक वैसे फिर से वही काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था, उस लड़ाई के माध्यम से लोग लड़ाई लड़ते थे, वो आज अंग्रेजों का बदला भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है। जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों को अग्निपथ के नाम पर उन्हें कॉन्टैक्ट बेस पर सेना में रखने की बात की जा रही है, अगर देखें जिस तरह से चाइना हमारे देश पर हमारी सीमाओं पर कब्जा करता जा रहा है, हमारे देश को परमानेंट सैनिक की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट सैनिक दे रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं उन्हें कॉन्टैक्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अन्य भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने सहयोगी संगठन के लोगों के यहाँ सिक्योरिटी के लिए तय करने जा रही है। ये देश के नौजवानों के साथ अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल रही है, अब उस विफलताओं को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी के नाम पर पहले साजिश की, अब नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर रहेगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने तक संघर्ष करेगी। आप लोग सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं लेकिन आप ही के कार्यकर्ता दिल्ली में रेल रोक रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा उद्देश्य है और अपील भी है कि हम शांतिप्रिय सत्याग्रह चलाएंगे, और ये शांतिप्रिय सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह को समर्पित होगी, जिस तरह से उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया था। तो मुझे लगता है देश के उन तमाम नौजवानों से थोड़ा सा आक्रामक हो गए हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि वो शांतिप्रिय ढंग से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाने और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शांतिप्रिय मार्ग का चयन करें।